यूटरस के बाहर प्रेजेंट होंगे कहाँ पर पेल्विस में और ये भी और भी केसेस देखने के लिए मिले हैं जहाँ पर रेयर लोकेशन में भी एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट होता है बट मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस पेल्विस में देखने के लिए मिलता है एंडोमेट्रियोसिस प्रीडोमिनेंटली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन को अफेक्ट करता है जो लेडीज जिनकी जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनकी एज यूजली ट्वेंटीज थर्टीज और फोर्टीज में होती है कि एज में एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लमेटिक होता है ये एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा है यूट्रस के बाहर वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं ईस्ट्रोजन को और ईस्ट्रोजन का रोल क्या होता है एंडोमेट्रियम में प्रोलिफ्रेशन करना तो ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा जो डिपॉजिट्स है एंडोमेट्रियम के बाहर वो भी ग्रो होंगे ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ये रिग्रेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर और मेनोपॉज के बाद रिग्रेस मतलब पीछे जाना मतलब इसके बैक टू नॉर्मल हो जाना मतलब कि लेस एडवांस हो हो जाता है है ठीक साइंस और सिम्टम्स सबसाइड जाते हैं क्यों क्योंकि देखो प्रेगनेंसी के टाइम पर प्लांसेंटा क्या सिक्रियट कर रहा है बहुत सारा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट कर रहा है ये प्रोजेस्ट्रॉन रिग्रेशन कॉज करता है एंडोमेट्रियल डिपॉजिट का क्योंकि देखो प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस करता है प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोलिन इस, के इफेक्ट पर स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी के टाइम पर रिग्रेस हो जाता है और मेनोपॉज के बाद देखो मेनोपॉज के बाद ओवेरियन फंक्शंस डिक्लाइन हो जाते हैं राइट right? तो ओवरिज इतने हार्मोन ही नहीं प्रोड्यूस करती है इसीलिए मेनोपॉज के बाद भी एंडोमेट्रियोसिस रिग्रेस हो जाता है कभी कभी जेनेटिक uh, प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और इसमें के आर एस जीन म्यूटेशन पॉइंट आउट किया है तो लेडीज की फैमिली में uh, जिसकी फैमिली में uh, जैसे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कितना बढ़ेगा सेवन टाइम्स बढ़ जाएगा तो अगर लेडी की फैमिली हिस्ट्री में एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी सेवन टाइम रिस्क इंक्रीज हो जाती है अब देखो एंडोमेट्रियोसिस होता कैसे इथियोलॉजी देखते हैं तो बहुत सारी थियोरीज दी गई है एक्सप्लेन करने के लिए एंडोमेट्रिस endometri एंडोमेट्रियोसिस हुआ कैसे तो सबसे कॉमन और एक्सेप्टेड थियोरी की बात करते हैं थियोरी इम्प्लांटेशन थियोरी या थियोरी ऑफ रेट्रोग्रेड मैंटुएशन इसको किसने दिया था इसको सैमसंग ने दिया था देखो आपको इसके नाम से इसको याद रखना है ठीक है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन में सर्वाइकल कैनाल के थ्रू वजाइना के थ्रू बाहर फ्लो होता है राइट तो ये ये थियोरी में क्या बोला है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन बोला है ये थियोरी में बोला है कि कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यूज रेट्रोग्रेड के थ्रू बैकवर्ड फ्लो करेंगे ठीक है तो ये बैकवर्ड फ्लो करेंगे और ट्यूब के बाहर निकल जाएंगे और पेल्विस में जाकर इम्प्लांट हो जाएंगे ये एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स पेल्विस में जाकर इम्प्लांट हो जाएंगे और फिर वहीं पर प्लॉलिप्रेशन होगा देखो रेट्रोग्रेट मैंसुएसन सारी वुमेन जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है उनमें ज़्यादातर लेडीज में देखने के लिए मिलता है बट हर वुमेन जिनको रेट्रोग्रेट मैंसुएशन होता है वो सब में एंडोमेट्रियोसिस डेवलप नहीं होता है ठीक है और ये थियोरी में एक और एक इम्पॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की गई है ये जो एंडोमेट्रियल डिपोजिट्स हैं ना ये सबसे पहले ओवरीज में इम्प्लांट होंगे ठीक है इधर इम्प्लांट होंगे फिर वो नीचे गिर कर नीचे आके इधर पाउच ऑफ डगलेस में भी इम्प्लांट हो सकते हैं और यहाँ पर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट भी प्रेजेंट है इधर ठीक है तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के आसपास भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं तो ये सारी साइट्स बहुत ही कॉमन है एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स के लिए तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी एंडोमेट्रियोसिस की ओवरी और सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या है पाउच ऑफ डगलेस फिर उसके बाद यूट्रोसैक्रल लिगामेंट फिर ब्रॉड लिगामेंट फिर फेलोपियन ट्यूब्स अब रेयर साइड्स की बात करते हैं तो रेयर साइड देखो स्कार साइड्स पे एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है तो so, पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्कार साइड पे होता है तो हिस्टर क्लासिकल सिरियन सेशन स्कार मायोम एक्टोमी वेंट्रोफिक्सेशन स्कार स्कार इन्वॉल्विंग सेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब ऑपरेशन एपीसी स्कार एंडोमेट्रियोसिस कैसे स्कार साइट पे होता है डायरेक्ट इम्प्लांटेशन की वजह से हम जब देखो ऑपरेशन करते हैं इधर ऑपरेशन करेंगे तो इंसीजन देंगे इंसीजन देते हैं राइट right? तो वहाँ पर सेम स्कैपल यूज करेंगे फिर सूचरिंग करेंगे तो हो सकता है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनके थ्रू ऊपर आ गया इम्प्लांट हो गया स्कार साइट्स पर ठीक है और दूसरे साइड्स को देखते हैं तो उसमें क्या दिया है आ, आ, प्लु, आ, दिया है लंग्स दिया है और नोस तो ये डिरेक्ट हिमाटोजिनस स्प्रेड की वजह से एंडोमेट्रियल डिपॉजिट इम्प्लांट हो जाते हैं लंग्स और नोस में तो ये कंडीशन में वुमेन क्या बोलेगी कि मुझे कफ में ब्लड आता है हर मेंस्टु, मेंस्टु, मेंस्टु के टाइम पे ठीक है हर के टाइम पर या फिर लीड no होती है मेंसेस के टाइम पर तो ये सब क्या ये सब रेयर सिचुएशन है अब मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा जेनाइटल साइड क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का सिग्मोइड कोलॉन ठीक है ये एनिमेटेड लैप्रोस्कोपिक व्यू है नॉर्मल फीमेल पेल्विस का ठीक है तो देखो ये यूट्रस है ये पीछे राउंड लिगामेंट जा ये कॉर्न्यू यूट्रस का तो जैसे तीन स्ट्रक्चर पास होते हैं मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ इंटरनल जेनाइटेलिया में बताया था ये राउंड लिगामेंट है ये फेलोपियन ट्यूब है ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है सॉरी ये ओवेरियन लिगामेंट है ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है ये पाउच ऑफ डगलेस है ठीक है देखो ये कितना यह शाइनी और ग्लिस्टरिंग अपियरेंस है पेडिटोनियम का कैसे फ्रीली फेलोपियन ट्यूब मूव कर सकते हैं देखो ओवरीज के आसपास पास कितनी जगह है पाउच ऑफ डगलेस को देखो कितना क्लीन और क्लियर है ये पेल्विस ये पेल्विस पूरा नॉर्मल है फ्री है कोई भी पैथोलॉजी दिख नहीं रही है यहाँ पर अब एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर जो एंडोमेटेरियल डिपॉजिट्स होंगे तो यहाँ पर जो एंडोमेटरियल डिपॉजिट प्रेजेंट होंगे तो वो हर महीने ब्लीड करेंगे हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर ये ब्लीड करेंगे तो जब ये ब्लीडिंग होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे यहाँ पर और इवेंचुअली यहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगा देखो यूट्राइन कैविटी में आउटलेट है ब्लड पास होने का बट पर कोई आउटलेट नहीं है तो ब्लड यहाँ पर ही कलेक्ट होता रहेगा और क्या कॉज करेगा इन्फ्लामेशन और फाइब्रोटिक चेंज पेरिटोनियम में और पेरिटोनियम का अपीयरेंस कैसा हो जाएगा एंडोमेट्रियोसिस में कुछ ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर देखो आपको ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स दिख रहे हैं देखो ये ब्राउनिश ब्लैकिश ब्लू कलर के डिपॉजिट्स है इसको हम पाउडर बर्न डिपॉजिट्स बोलते हैं। हैं। पुराने की तरह दिखते ये देखो। और देखो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि फेलोपियन ट्यूब्स कहां पर है ओवरीज भी नहीं दिख रही है ठीक से ये सब स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में मिल गए हैं यहाँ पर सब फाइब्रोटिक चेंज दिख रहे हैं पेल्विस में और फ्रेश डिपॉजिट भी प्रेजेंट हो सकते हैं पेल्विस में ओवरीज देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ओवरीज पे कोई किसी ने पर्दा डाल दिया है ये सब अधन्स है ओवरीज के आसपास और ये सब डिपॉजिट्स को देख देखो देखो ये डिपॉजिट्स खाली नहीं है इसमें यह इसमें ये है ना सिस्टिक डिपॉजिट है जो कि पेरिटोनियल फ्लूड से भरे हुए ये देखो ये पेरिटोनियल फ्लूड में इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं ब्लड भी प्रेजेंट होता है इसीलिए ये ब्राउनिश ब्राउनिश ब्लूइश अपियरेंस आ रहा है ये फ्रेश डिपॉजिट्स है जो कि पेल्विस में दिख रहे हैं देखो पाउच ऑफ डगलेस भी ठीक से विजिबल नहीं है अब समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा है अब तक पैल्विक एनाटॉमी समझ नहीं आ रहा है कि फेलोपियन ट्यूब एग्जैक्टली कहाँ पर है ओवरीज कहाँ पर है ठीक है फिर लोकल पेरिटोनियल इंफ्लामेशन जो इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स है ये डिपॉजिट में वो लोकल पेरिटोनियल इंफ्लामेशन कॉज करते हैं ब्लीडिंग इन द इम्प्लांट्स इम्प्लाट इट इंटू पेरिटोनियम इम्प्लांट्स इंट्रेट करेंगे पेरिटोनियम को और बरो हो जाएंगे पेरिटोनियम में तो ये सब की वजह से क्या होगा क्या कॉज करेगा ये सब पेन कॉज करेगा सीवियर पेन तो एंडोमेट्रियोसिस में क्रोनिक पेल्विक पेन होता है अब एक और एक पिक्चर देखते हैं देखो यहाँ पर ओवरिस एनलाज दिख रही है और ब्राउनिश ग्रेश कलर की दिख रही है ओवरिस के अंदर सिस्ट है जो कि ओल्ड क्लॉटेड ब्लड से भरा हुआ है ब्लड जब डिग्रेड होता है तो किस में कन्वर्ट होता है हीमोसिड्रीन जो कि ब्राउन कलर का होता है और बिली और बिल्लीवर्डिन तो फिर हीमोसिड्रीन की वजह से ये सिस्ट चॉकलेट ब्राउन दिख रहा है अपियरेंस में इसकी वजह से हम ये सिस्ट को ब्राउन चॉकलेट चॉकलेटसेस भी बोलते हैं और एंडोमेट्रियोमा भी बोलते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस में हमें जो ओवेरियंसिस दिखते हैं उसे हम चॉकलेट चॉकलेटसेस बोलते हैं या फिर एंडोमेट्रियोमा फिर बोलते हैं अब एंडोमेट्रियोसिस का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वुमेन को क्रॉनिक पेल्विक पेन रहेगा ये क्रॉनिक पेल्विक पेन रेगुलर बेसिस पे नहीं बोल सकते कि होता है बट डेफिनेटली ये लेडी को डिसमेनोरिया होगा सीवियर कंजेस्टिव डिसमेनोरिया प्रेजेंट रहेगा नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन के स्टार्टिंग में लेडीज को जो पासमोटिक डिसमेनोरिया होता है वैसी तकलीफ नहीं होगी यहाँ पर लेडी को मेंसेस होने से एक दो दिन पहले से ही पेन स्टार्ट हो जाएगा पूरे मेंस्ट्रुअल फेस के दौरान पेन होगा जब तक मेंसेस रहेंगे पूरा टाइम पेन रहेगा और ये पेन बहुत ही सीवियर होगा डिस्पेरूनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर एंडोमेट्रियल डिपॉजिट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के पास प्रेजेंट होंगे या फिर पाउच ऑफ डगलेस के आसपास तो कोइटस के टाइम पे मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ये डिपॉजिट में इरिटेशन हो सकता है और उसकी वजह से पेन होगा तो एंडोमेट्रियोसिस में डिस्पेरूनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेजेंट होता है और सीवियरिटी ऑफ पेन किस पे डिपेंड होगी सीवियरिटी ऑफ पेन डेप्थ ऑफ इन्वेजन पे डिपेंड होगी एक सेकेंड जितना ज़्यादा पेल्विस में पेल्विस की एनाटॉमी डिस्टॉर्डेड रहेगी उतना ज़्यादा अटैशंस प्रेजेंट होंगे पेल्विक में और उतना ही ज़्यादा पेन होगा और ये जो एंडोमेट्रियल डिपॉजिट है पेरिटोनियम में वो पेल्विक फ्लोर की नर्व्स को भी इन्वेट करेगा राइट इरिटेशन कॉज करेगा उसकी वजह से भी पेन हो सकता है पेरिटोनियम में हम बोल सकते हैं कि सीवियरिटी ऑफ पेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ ऑफ इन्वेजन से तो जितने डीपली इन्वेट करता है एंडोमेट्रियोसिस उतना ही ज़्यादा पेन होगा इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी सेकेंड मोस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम है एंडोमेट्रियोसिस का तो थर्टी टू फोर्टी परसेंट जिनको एंडोमेट्रियोसिस है उनमें इनफर्टिलिटी प्रेजेंट होगी पेल्विक मास भी प्रेजेंट हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस में ओवेरियंसिस जिसे हम चॉकलेट सिस बोलते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकता है राइट तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहेगा पेन फिर सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है एंडोमेट्रियोसिस का इनफर्टिलिटी थर्ड मोस्ट क्या है ईस्ट्रोजन एक्सेसिव है उसकी वजह से प्रोलिफ्रेशन होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू का उसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी क्यों कॉज करता है वो देखते दे. हैं तो एंडोमेट्रियोसिस डिस्टॉर्डेड एनाटॉमी कॉज करता है है ना पूरी एनाटॉमी डिस्टॉर्डेड है देखो नॉर्मली ओव्यूलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होता है ओवरी से तो फेलोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्रल एंड है वो एग को कैप्चर कर लेता है राइट तो ये फेलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रल एंड एग को कैप्चर कर लेगा तो अब एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पूरी एनाटॉमी तो डिस्टोर्डेड है तो फेलोपियन ट्यूब्स फाइब्रोसिस की वजह से मूव ही नहीं कर पाएंगे या फिर सोचो कि अध्यशन की, की वजह से ये फिमड्रियल एंड जो है फेलोपियन ट्यूब का ये ये ऐसा समझो कि पीछे चले गया अध्यशन की वजह से ठीक है इधर अगर होंगे तो तो ये पूरा क्या हो जाता है ये फिमड्रियल एंड स्टक हो जाता है मतलब कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से फेलोपियन ट्यूब का एक्शन और फंक्शन दोनों अफेक्ट होगा अब ओवरीज की बात करते हैं, तो ओवरीज में एंडोमेटेरियल डिपॉजिट हो सकता है राइट तो ये एंडोमेटेरियल डिपॉजिट में बहुत सारे इन्फ्लामेट्री मीडिएटर्स प्रेजेंट होंगे और ये इन्फ्लामेट्री मीडिएटर्स फॉलिकल्स की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे राइट तो एंडोमेट्रियोसिस में एनओविट्री साइकल्स भी हो सकती है और अज्यूम करो कि ये इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्राइन कैविटी में आ गए ठीक है इसके थ्रू ये यूट्राइन कैविटी में आ गए तो देखो स्पर्म तो यूट्राइन कैविटी से ही ट्रैवल करेगा ना ऐसे ऐसे ही स्पर्म ट्रैवल करेगा इधर से सॉरी फर्म तो इधर से ही ट्रैवल करेगा तो यूट्राइन कैविटी से स्पर्म ट्रैवल करके ही फेलोपियन ट्यूब में जाएगा ना तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर स्पर्म के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरफियर करता है अब ये याद रखना है कि एनाटॉमी बाहर से ही डिस्टॉर्डेड फेलोपियन ट्यूब के मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर के साइड को कुछ नहीं होगा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो भी हो रहा है वो बाहर से ही प्रॉब्लम हो रही है तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से यूजुअली ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं होता है अभी एग्जामिनेशन फाइंडिंग देखते हैं तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग में हम लोग जब पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो सबसे पहले तो टेंडरनेस मिलेगी ये देखो तो इधर ये तो आ, को पैल्पेट करेंगे वहां पर हमें नोडुलरिटी फील हो सकती है लिगामेंट में फिर क्या फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रेस मिलेगा तो नॉर्मली यूट्रेस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ऐसे रेस्ट कर रहा होता है तो इधर देखो इधर क्या रेट्रोवर्टेड यूटरेस है तो हमें नॉर्मली यूट्रेस एंटीवर्टेड होता है राइट और हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें रेट्रोवर्टिड यूटरेस देखने के लिए मिलेगा जो कि फिक्स है तो मैं मैं तो यही अज्यूम करूंगी ना कि कोई अधहैशन होगी जो कि यूटरेस को पीछे से खींच रही है राइट तो इसकी वजह से हमें फिक्स रेट्रोवर्टिड यूटरेस मिल सकता है फिर थर्ड क्या है एडनेक्सल एडनेक्सल मास भी हो सकता है अगर ओवरी में चॉकलेट प्रेजेंट होगा तो वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसको पालपेट कर सकेंगे अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, तो यूएसजी पे हमें एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स और फाइब्रोसिस नहीं दिखेंगे अगर वो एंडोमेट्रियल डिपॉजिट छोटे होंगे तो तो यूएसजी पे हमें क्या दिखेगा जब हम ट्रांसफाइनल सोनोग्राफी करवाते हैं तो हमें चॉकलेटसेस दिखेगा यहाँ पर हमें क्लासिक ग्राउंड ग्लास अपियरेंस दिखने के लिए मिलता है एंडोमेट्रियोमा का पर यूएस से हमें कंफर्म नहीं कर सकते हमें ये कन्फर्मेटरी एंडोमेट्रियोमेट्रियोनो यूएसडी के बेसिस पे नहीं कर सकते एंडोमेट्रियोसिस का डेफिनेट डायग्नोसिस कैसे करेंगे लैप्रोस्कोपी से देखो मैंने जितने भी आपको पिक्चर दिखाए प्रीवियस स्लाइड्स में वो सब क्या था लैप्रोस्कोपी व्यू थे राइट right? तो लैप्रोस्कोपी में हमें पहले अंदर जाते हैं देखते हैं कि एंडोमेट्रियल डिपॉजिट कहाँ पर है फिर वहाँ से बायोप्सी लेंगे और वो वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में हमें पता चलेगा कि सैंपल में एंडोमेट्रियल लैंड और स्ट्रोमा प्रेजेंट है कि नहीं है और अगर हिस्टोपैथोलॉजी में हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या नहीं है ये लेडी को वो सैंपल में एंडोमेट्रियल लैंड प्रेजेंट है क्या नहीं है तो हम बट हमें हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में हमें नहीं मिल रहा है बट लैप्रोस्कोपी हमें दिख रहा है कि एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स दिख रहे हैं कि प्रेजेंट है तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा उसका डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस ही होगा ठीक है चाहे हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट कंफर्म करे या नहीं करे उसका डायग्नोसिस अगर हमें दिख रहा है उधर एंडोमेट्रियोसिस है तो लेप्रोस्कोपी में तो उसका डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस ही होगा अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम दो तरह की ट्रीटमेंट करेंगे एक पेन मैनेजमेंट करेंगे और एक इनफर्टिलिटी को मैनेज करेंगे तो अगर माइल्ड पेन होगा तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी एनएसएड्स होगी और ओ पिल्स तो ओ में दोनों इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बट प्रीडोमिनटली प्रोजेस्ट्रॉन होता है पर, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है रिग्रेस कर देता है ये एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स को आ, को रिग्रेस कर देता है इसीलिए प्लेन पेन रिलीफ हो जाता है ठीक है और अगर सीवियर पेन होगा तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी जी एन आर एच एगोनिस्ट होंगे ठीक है और क्या होगा प्रोजेस्ट्रॉन डिरेक्टली भी दे सकते हैं फिर अभी इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो अगर मिनिमल इनफर्टिलिटी हुई तो हम उसमें क्या करेंगे उसमें हम इंटराइन इंसेमिनेशन करेंगे ठीक है तीन चार साइकिल्स के लिए फिर अगर आ, उसमें नहीं हो जाएगा तो फिर हम आईवीएफ के लिए जाएंगे अगर मॉडरेट या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें ना हम डायरेक्टली उसको आईवीएफ सजेस्ट करेंगे और फिर बाद में आ, ये क्या बोलते मतलब कि इनफर्टिलिटी अगर अगर एंडोमेट्रियोसिस एडवांस हुआ तो हम आईवीएफ से रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमें तो यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस के, के बारे में ये इतना ही था थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो हम प्यूबर्टी पे बनाने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए कीजिए और अगर आपने पहले सीरीज़ की पहले से वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए थैंक यू सो मच बाय बाय हैव अ गुड डे